अंकित गुप्ता देंगे प्रियंका को धोखा। आखिर क्या वजह है कि अंकित ने प्रियंका को धोखा दिया है? और यही नहीं बल्कि अंकित जो है वो जल्द ही किसी और से शादी करने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आखिर कहां से ये सारी खबरें आ रही हैं और किस वजह से सारी बातें वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं? और साथ ही साथ एक वीडियो है जो हमारे हाथ लगा है और इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन अप हो रही हैं। आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदो। अगर बात की जाए अंकित गुप्ता और उन्हीं के साथ साथ प्रियंका चार चौधरी की, तो दोनों का ही जो बॉन्ड है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और दोनों ने जिस तरीके से अपना बॉन्ड एक दूसरे के लिए सेटल किया है वो शायद अप्रिशिएबल है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग जब बिग बॉस के घर में थे, जो कॉन्टेंट था प्रियंका का वो बहुत अलग लेवल का था। लेकिन ये चीज़ मतलब यूजुअली अगर देखा जाए तो प्रियंका और अंकित को बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस से कनेक्ट किया, लेकिन उसके पहले भी प्रियंका और अंकित एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ये चीज़ याद रहे। क्योंकि उड़ारियाँ जो उनका शो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और उसी से उनको एक फ़ैन बेस जो है वो रेडी होकर मिला था और उस फैन बेस ने इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और यही वजह थी कि ये दोनों की जो चमक है वो हमको देखने को मिली थी बिग बॉस में। लेकिन जब अंकित बाहर हुए तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ थी कि यार अंकित जो है बाहर आने के बाद इंतज़ार ज़रूर करेंगे प्रियंका का और प्रियंका के साथ ही शायद कोई दूसरा शो करेंगे। लेकिन अंकित ने बिना किसी इंतज़ार के बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एक शो साइन कर लिया जिसका नाम था जुनूनियत। और इस शो में उनके साथ उनके को लीड में देखने को मिले गौतम सिंह और साथ ही साथ इस शो का जो कास्ट था वो भी बहुत ज़्यादा अपीलिंग था, लोगों को बस पसंद आ रहा था। लेकिन जनता जो है उस समय अंकित पे भड़की थी ये चीज़ कहते हुए कि यार हमने अंकित से होप रखी थी कि अंकित जो है प्रियंका के साथ काम करेंगे, जबकि अंकित ने खुद ही एक शो डिसाइड करके वो कर रहे हैं और चंडीगढ़ में इसकी शूटिंग हो रही है। अभी एक या दो दिन पहले प्रियंका जो है वो भी सेट पर स्पॉट हुई थी, अंकित से मिलने गई थी। तो इस शो में जो है एक कास्ट आया, एक प्रमाइस आया, इस समय एक पार्ट ऐसा प्ले हो रहा है कि इसमें शादी हो रही है नेहा राणा और अंकित गुप्ता की, जो जिनका नाम है जहान। और आप देख सकते हो मैं पहले इसकी छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ और इसी वजह से जनता जो है कह रही कि यार ये तो हमने प्रियंका के साथ मैनिफेस्ट किया, ये तो कुछ और ही हो रहा है यहाँ पे। ये उसका एक छोटा सा क्लिप है और इसी में एक और एक क्लिप है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी क्लिप आप देख सकते हो। जिस तरीके से ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ लोगों ने सवाल ये उठाने शुरू कर दिए कि ये तो हमने मैनिफेस्ट किया है प्रियंका के लिए, हम चाहते हैं कि ये चीज़ प्रियंका के साथ हो, बल्कि प्रियंका को छोड़ के किसी और के साथ ही हो रही है और वो भी शो में हो रही है। और जिस तरीके जैसे ये वीडियो आया तुरंत आते ही जो है वायरल हो गया, वीडियो को जो है काफ़ी ज़्यादा अभी तक व्यूज़ मिले और लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा इस वीडियो को देखा है और पसंद किया है। एहान हैशटैग एहान में ये वीडियो जो है समय ट्रेंड कर रहा है, ये आप देख सकते हो। ये वीडियो है अंकित गुप्ता का गले लगाए हुए उनको। नेहा राणा और अंकित गुप्ता, तो इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।